All right, friends. Now you refer your question number 8. Question number 8, page number 68 on question book, and question number 8, page number 10.12 on solution book. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 68 पहले आप निकाल लीजिए फ्रेंड्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसके अंदर फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है. पहली बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे एप्लीकेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी है. एप्लीकेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. ए कंपनी प्रोसेसेस ए रॉ मटेरियल इन इट्स डिपार्टमेंट 1 टू प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ए बी एंड एक्स. At the same split of stage during a period, 180,000 kg of raw material were processed in department 1 at a total cost of Rs. 12,88,000 and the resultant output of A, B and X 18,000 of A, 10,000 of B and 54,000 of X. A, B further processed in department 2 at a cost of 180 and 150. X was further processed in department 3 at a total cost of 1,08,000. There is no waste in further processing. The details of sales affected during a period were as under. Quantity sold. अब देखो, आपका production हुआ है 18,000 A में, 10,000 B में, 54,000 C में, okay? और ये बोल रहा है there is no waste in further processing. इसका मतलब आपने बनाया A 18,000, बिका है. The details of sales affected during the period is 17. इसका मतलब वन आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक. आपने बनाया बी 10,000, बिकाए 5,000 क्लोजिंग स्टॉक. बनाया 54, बिकाए 44 क्लोजिंग स्टॉक. देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक. इफ दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज द प्राइस इज गिवन बिलो. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए बी एन एक्स. तो पहले अपन को वही डिसीजन ट्री, इट मीन्स दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, एक कंपनी प्रोसेसेस रॉ मटेरियल इनटू डिपार्टमेंट 1, ये आपका है डिपार्टमेंट 1. A company processes a raw material in its department 1 to produce 3 products A, B and X. Products A, B and X. At the same split of stage during a period, 180,000 kg of raw material were processed into department 1 at a total cost of 12,88,000. It means इसमें इनपुट है आपका, इनपुट है 1,80,000, ओके. और इसके अंदर आपको नॉर्मल लॉस भी मिल जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट आ रहा है 1,80,000 के रॉ मटेरियल वर प्रोसेस इनटू डिपार्टमेंट 1 एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 12,88,000. आउटपुट ऑफ 18,000 केजी ऑफ ए then 10,000 kg of B and 54,000 kg of X. इसका मतलब इनपुट था 180, उसमें से आउटपुट आ रहा है 18 minus 10 minus 54, बाकी का आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस. इट मींस 1,80,000
माइनस 18,000 माइनस 10,000 माइनस 54,000 इज 98,000 आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। अब इसमें आप निकालिए, दिस इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स एट P1 डिपार्टमेंट, दिस एक्स, हाँ ए बी 18,000 ए एंड बी वर फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट टू, इट मींस ये या तो एक्सपेक्टेड सेल्स या फिर ये जाएगा डिपार्टमेंट टू। डिपार्टमेंट टू एट ए कॉस्ट ऑफ 150 एंड ए एंड बी फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट टू एट ए कॉस्ट ऑफ, इट मींस दिस इज योर सेपरेट कॉस्ट, डिपार्टमेंट टू विल बी 180,000, सेपरेट कॉस्ट डिपार्टमेंट टू विल बी 150,000। एक्स वॉज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट थ्री, सेपरेट कॉस्ट डिपार्टमेंट थ्री विल बी 108,000। सही है सर, 108,000, 150,000, 180,000। There is no waste in further processing. इसका मतलब ये जो आउटपुट है उतना ही आउटपुट अपने को P2 में भी मिलेगा। Please underline that. बहुत important है। There is no waste in further processing. The details of sales effected during the period were as under. Quantity sold 12,24,000, 5,000, 2,50,000, 44,792. There were no opening stock. If these products were sold at spirit of stage, the selling price of A, B and X would have been 50, 40 and 10. अगर हम P1 पे सेल करते, इसका मतलब P1 पे सेल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18,000 into 50 is 9 lakhs. Then 5,000 into 40, sales at P1, 5,000 into 40, 2 lakhs and 10, it means 54,000 into 10. Is 5,40,000. और अगर P2 पे हम लोग सेल करते, इट मींस यहां पे आपका आएगा 1224, ये आपका सेल हुआ था व्हेन द आउटपुट इज 17,000, दिस इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स एट P2, एक्सपेक्टेड सेल्स एट P2 डिपार्टमेंट टू में इनटू 18,000, 1224 इनटू 18 बाय 17, तो एक्सपेक्टेड सेल्स आएगा 1,296,000, दिस इज expected sales in department 2 will be 250 is for 5,000, so 10 ke liye is a 5 lakhs, then
एक्सपेक्टेड सेल्स इन पी टू 792 44 इंटू 54 792 44 इंटू 54 इज 972। ये क्लियर हुआ कि बोलो आप, इज दिस क्लियर और नॉट? देखो डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट वन में दे रही है इनपुट ऑफ 180,000 और उसमें से आउटपुट है 18,000 10,000 एंड 54। तो 180 में से 18 10 54 को निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। अब 18 को अगर हम बेचने जाएंगे तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 50 रुपीज़, और P2 पे बेचेंगे तो 1224 है 17 के लिए, और दे बोल रहा है कि नो फर्दर प्रोसेसिंग लॉस। इसका मतलब सेल्स क्या हो जाएगा, 1296। सेपरेट कॉस्ट आपको दे रखा है 180। सेल्स एट P1 करेंगे ये आएगा, P2 करेंगे रिवाइज करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड सेल्स, बिकॉज क्लियरली क्वेश्चन में दिया देर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग लॉस, ये आपका सेपरेट हो जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स, सेल्स एट P1 एंड सेल्स एट P2 एंड दिस इज योर सेपरेट कॉस्ट। सही है सोनो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑलराइट, अब अपने से पूछ क्या रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिटवीन ए बी एंड एक्स। मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में एजम्पशन सिखाई थी, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अजम्पशन सिखाए थे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको क्या लेने पड़ेंगे, अजम्पशन। अजम्पशन में क्या, पहला रूल इज ए फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट इज नॉट एप्लीकेबल इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर हैविंग ए डिफरेंट नेचर। यहाँ पे आपका डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट नेचर में क्या है, आपको डिफरेंट सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसका मतलब आपको किस में जाना पड़ेगा, सेल्स एट P1, आपको किस में जाना पड़ेगा, सेल्स एट P1। तो सेल्स एट P1 आपका क्या हो जाएगा, बोलो, सेल्स एट P1 आपका हो जाएगा 9 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज एंड 5,40,000। क्या क्या हो जाएगा, 9, 4 लाख, दिस इज योर 9 लाख एंड P1 मीन्स यहाँ पे 10,000 बिकेगा ना अपना, 10,000 इंटू 40 इज 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज एंड 5,40,000, ये आपके क्या हो गए, सेल्स एट P1, सेल्स एट P1 एंड सेल्स एट P1 तीनों का। इट मीन्स आंसर नंबर वन स्टेटमेंट showing allocation of joint cost, ठीक है, A B X sales, एक्सपेक्टेड सेल्स एट P1, रेफर डिसीजन ट्री नोट नंबर 1, रुपीज 9 लाख, रुपीज 4 लाख, रुपीज 5,40,000 ज्वाइंट कॉस्ट, joint cost 1288, it means 900:400:540 के रेशियो में 6,30,000, 2,80,000 एंड 3,78,000। सही है सुनो,
ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अजम्पशन अपन को क्या लेना पड़ेगा, यही यही तो आपका मेन है, बच्चे लोग यही अटक जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि अजम्पशन क्या लेना है। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट इन द रेशियो ऑफ एस, सो योर टोटल आपका क्या हो जाएगा। अब आप आजिए फ्रेंड्स, सेकंड क्या बोल रहा है अपने से, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ओके, इट मींस आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट टोटल कॉस्ट। ए बी एक्स आउटपुट 18,000 केजी, 10,000 केजी, 54,000 केजी। टोटल पर केजी, टोटल पर केजी, टोटल पर केजी, जॉइंट कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट अभी अपन लोगों ने निकाला था 630, 280 एंड 378। सेपरेट कॉस्ट हम लोगों ने निकाला 180, देन 150 एंड 108। टोटल कॉस्ट 630 प्लस 180 इज 810, 280 प्लस 150 इज 430, 378 प्लस 108 इज 630, 280 एंड 378 और सेपरेट कॉस्ट अपन ने निकाला था इसमें ना, सेपरेट कॉस्ट 180 देन 150 एंड 108, 150 एंड 108। इसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, इट मींस 630 डिवाइडेड बाय 18,035 एंड 10, 45, 28, 15, 28 प्लस 15 इज 43 एंड 378 डिवाइडेड बाय 54 इज 7, 108 डिवाइडेड बाय 54 इज 2 एंड 9, इट मींस 45, 43 एंड 9। ये आपका टोटल पर केजी 7 एंड 2, 28, 15 एंड। आगे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चमेंट हम लोगों ने ये कर दिया इन द रेशियो ऑफ सेल्स, ये हमारा आंसर नंबर वन हो गया। आंसर नंबर टू, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर केजिंग ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड में हम लोगों ने क्या सेल किया है, एट प्रेजेंट कंपनी कहां पे सेल कर रही है, एट पी टू पे।
एंड देन फोर्थ स्टेट विद द सपोर्टिंग एज टू वेदर एनी और ऑल ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट. तो फर्स्ट दिस इज योर आंसर नंबर थ्री. स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस. टोटल प्रॉफिट एंड लॉस. टोटल कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? ए बी एक्स. टोटल पर केजी, टोटल पर केजी, टोटल पर केजी. व्हाट इज द आउटपुट सोल्ड? 17,000 केजी. प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड बी 5,000 एंड सी 44. सेल्स जॉइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट योर सेल्स? 1224, 2,50,000, 792. 1224 divided by 17 is 72. 2,50,000 divided by 5,000 is 50. 792 divided by 44,000 is 18. So 1224, 2,50,000, 792 will be 22,66,000. क्या पूछ रहा है अपने से? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड. प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट हम लोगों ने क्या निकाला था? देखो 35, 28 एंड 7 पर केजी. 35, 28 एंड 7. सेपरेट कॉस्ट हमने क्या निकाला? सेपरेट कॉस्ट हम लोगों ने क्या निकाला? 10, 15 एंड 2. 10, 15 एंड 2. 10, 15 एंड 2. नाउ दैट यू मल्टीप्लाई बाई आउटपुट 17,000 इंटू 35, 595, 170, 5,000 into 28, 140, 5,000 into 15, 75, 44,000 into 7, 308, 2 into 44, 88. It means 1224, 595, 170 is 459 divided by
17 इज 2,50,000 माइनस 140 माइनस 75 इज 35 डिवाइडेड बाय 5,000 इज 7,792,308 माइनस 308 माइनस 88,000 इज 396. So 18 माइनस 7 माइनस 2 इज 9. इट मीन्स 5,945,140,308 10,43. 170 plus 75 plus 88 is 3,459,35,396 is 8,90,22,66 minus 10,43 minus 595 plus 140 plus 308. 22,66,000 minus 10,43,000 minus 333,000 8,90,000. सही है सुनो फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं? दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट प्रॉफिट. एट प्रेजेंट हम लोग कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं? एट पी टू सेल कर रहे हैं. सेल्स हम लोग कहां पे कर रहे हैं? एट पी टू. ओके, सेल्स सेल्स एट पी टू. जॉइंट कॉस्ट माइनस किया, सेपरेट कॉस्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया. सही है सुनो फ्रेंड्स. ऑलराइट, अब वो अपने से पूछ रहा है कि स्टेट विद द सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज टू वेदर एनी और ऑल द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट. इट मीन्स अगेन आंसर नंबर 4. दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस फॉर फर्दर प्रोसेस. ए बी एंड एक्स, ए बी एंड एक्स. आ जाइए आप क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स. इट मीन्स एक्सपेक्टेड सेल्स एट पी टू, एक्सपेक्टेड सेल्स एट पी वन, इंक्रीमेंटल सेल्स पी टू माइनस पी वन लेस सेपरेट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस. एक्सपेक्टेड सेल्स एट पी टू 1296 निकाला था अपने डिसीजन ट्री में, 5,00,972 एक्सपेक्टेड सेल्स एट, एक्सपेक्टेड सेल्स हम लोगों ने निकाला था. एक्सपेक्टेड सेल्स एट पी टू 1296 5,00,972 एक्सपेक्टेड सेल्स एट पी टू. ओके, लेस एक्सपेक्टेड सेल्स एट पी वन 9,00,000. सब डिसीजन ट्री से ले रहे हैं अपन ना, 4,00,000 एंड 5,40,000. राइट, इंक्रीमेंटल सेल्स इट मींस 1296 माइनस 900 396, 500 माइनस 400 1,00,000, 972 माइनस 540 432 लेस सेपरेट कॉस्ट 180 150
216 50,000 loss and 432 minus 108 is 324. इट मीन्स डिसीजन क्या आ जाएगा, ये P2 डिसीजन, ये वाला डिसीजन ना, P2 P1 एंड P2 सही है सुनो। मेरा 1296 हो रहा है सेल्स, पहले हो रहा था 9 लाख, सेल्स कितने से बढ़ा 396 से, मेरा सेल कितने से बढ़ा 396 से, यार उसके सामने कॉस्ट कितने से बढ़ा 180 से, तो मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा 216, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 150 एंड 50। इसका मतलब इफ आई वॉन्टेड टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट आई शुड सेल प्रोडक्ट ए P2, प्रोडक्ट बी P1, प्रोडक्ट एक्स P2। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना। अब आपका एक और एक अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना फ्रेंड्स, 9 जरा आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, दिस इज योर क्वेश्चन 9, पेज नंबर 68 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन बुक में है, पेज नंबर 10.13 इन सॉल्यूशन बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा देखिए, लेकिन डिसीजन ट्री आपको काफी हेल्प करेगा इसके अंदर ना, डिसीजन ट्री में आपको बराबर से आपको समझ में आ जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरा देखिए करके ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्गेनिक केमिकल परचेजेस सॉल्ट एंड प्रोसेस इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड PVC। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 इन ऑर्गेनिक केमिकल परचेज्ड सॉल्ट फॉर ₹10 लाख, कन्वर्जन फॉर ₹15 लाख वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट विच टाइम टू सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू PVC। द अप्रैल प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। कॉस्टिक सोडा 1200 सेल हो गया, 1200 एट द रेट ऑफ 1250, क्लोरीन 800, PVC उसका बना 500 में टन्स सेल होगा 5000। ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस एट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख टू यील्ड 500 टन्स ऑफ PVC। देर वर नो बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप फ्रॉम दिस फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्लोरीन। देर वॉज नो बिगिनिंग ट्रेंडिंग इन्वेंट्रीज ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और PVC इन अप्रैल। देर इज एन एक्टिव मार्केट ऑफ क्लोरीन, इन ऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स अप्रैल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 1875 रिक्वायर्ड। कैलकुलेट हाई द जॉइंट कॉस्ट 25 लाख वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सेल्स वैल्यू एट P1, फिजिकल आउटपुट, एस्टिमेटेड NRV। वॉट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड PVC अंडर द 3 मेथड्स cited in requirement 1. Lifetime swimming pool products offers to purchase 800 tons of chlorine in May 2016 at a price of 1875 a ton. This sale would mean that no PVC would be produced May. How would accepting the offer affect May operating income? Upar se niche tak aaye, kuch samajh mein nahi aaya. Upar se bolo, ऊपर से नीचे तक आए कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री से ही फ्रेंड्स आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। ओके, देखिए जरा डिसीजन ट्री, इनऑर्गेनिक केमिकल परचेजेस सॉल्ट एंड प्रोसेसेस इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड PVC। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट फॉर 10 लाख, कन्वर्जन ऑफ 15 लाख
वन इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट विच टाइम टू सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरिन। आ जाइए आप, ज्वाइंट कॉस्ट प्रोसेस वन और यू कैन से पी वन, देन सॉल्ट 10 lakhs एंड कन्वर्जन 15 lakhs, टोटल 25 lakhs। आफ्टर द प्रोसेस कन्वर्जन 15 lakhs, विच टू सेलेबल प्रोडक्ट कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू या तो सेल्स एट पी वन या इनपुट नॉर्मल लॉस एंड पीवीसी। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी। द अप्रैल प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। कॉस्टिक सोडा 1200 टन्स, टन्स सेलिंग प्राइस 1250, इट मीन्स 1200 इंटू 1250 इज 15 lakhs। क्लोरीन 800 टन्स, इफ यू पुट 800 टन्स विल गेट पीवीसी ऑफ 500 टन्स, इस मीन्स नॉर्मल लॉस इज 300 टन्स, टन्स टन्स एंड टन्स। ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रुपीज, इट मीन्स सेपरेट कॉस्ट इज 5 lakhs, सेपरेट कॉस्ट ऑफ 5 lakhs टू यील्ड 500 टन्स। देर वर नो बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप फ्रॉम दिस, there was no beginning or ending inventories. There is an active market of chlorine. Inorganic chemical could have sold all its production of chlorine is 1875. 800 into 1875. So 800 into 1875 is 15 lakhs. और राइट, अब आप आराम से एक बार समझ लीजिए राइट। और इसका सेल्स वैल्यू है एंड पीवीसी का P2, सेल्स एट P2 5000 इंटू 500, 25 lakhs, सही है सोनो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर और नॉट? सब आपको दे ही रखा है चार्ट में, तो आपको कुछ ज्वाइंट कॉस्ट आपको सॉल्ट 10 lakhs, कन्वर्जन 15, 25 lakhs, दिस इज योर प्रोसेस वन ज्वाइंट कॉस्ट। उसमें मैं आपको मिल रहा है कॉस्टिक सोडा 1200, क्लोरीन 800, कॉस्टिक सोडा 1250 में सेल होगा एंड क्लोरीन आपका ये सेल होगा एट P1 है, सेल्स इनपुट 800, ये सेल्स आउटपुट है, सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट फ्रेंड्स? बोलो
नाउ कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट 25 लाख वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. पहला सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट 25 लाख वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा के बीच में जॉइंट कॉस्ट ये जो 25 लाख है वो कैसे बटेगा. पहला सेल्स एट P1, ये आपका P1 का सेल है और ये भी आपका P1 का सेल है. इसका रेशो, इसका मतलब 15:15 के रेशियो में पहला चला जाएगा. दूसरा क्या बोला, एस्टिमेटेड NRV. NRV ये तो P1 पे ही सेल हो रहा है, इसका आ जाएगा NRV. इसका NRV निकल के आएगा तो NRV के रेशियो में कर देंगे. तीसरा बोल रहा है दूसरा बोला है फिजिकल आउटपुट. फिजिकल आउटपुट 1200 800. तीसरा बोल रहा है NRV. तो वेरी सिंपल, पहले ये पार्ट कर लेते हैं. आंसर नंबर 1. स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट 25 लाख वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. कॉस्टिक सोडा एंड क्लोराइन, ठीक है. पहला मेथड 1, दिस इज योर सेल्स एट P1. सेल्स एट P1, क्या सेल्स अपन ने P1 निकाला था, 15 लाख एंड 15 लाख. जॉइंट कॉस्ट 25 लाख, 1250. ये आपका मेथड 1. मेथड 2, फिजिकल आउटपुट. फिजिकल आउटपुट अपन ने क्या निकाला था, 1200 एंड 800. 1200:800 जॉइंट कॉस्ट 25 लाख, इट मीन्स 25 लाख 1200 / 2000 इज 15 लाख एंड 10 लाख. सही आंसर नो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स. दूसरा आपका क्या हो गया, फिजिकल आउटपुट. तीसरा आपको बोल रहा है एस्टिमेटेड NRV, थर्ड मेथड. ओके, एस्टिमेटेड NRV एंड जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट 25 लाख. ठीक है, अब एस्टिमेटेड NRV कॉस्टिक सोडा का तो निकलेगा नहीं, ये तो 15 लाख P1 पे ही सेलेबल है, ये P2 पे सेलेबल है. इट मीन्स एस्टिमेटेड NRV सेल्स एट P2, इसका PVC का 25 लाख माइनस प्रॉफिट नहीं है, माइनस सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, माइनस सेपरेट एक्सपेंस 5 लाख. तो एस्टिमेटेड NRV इज 20 लाख. सही है सुनो फ्रेंड्स. सो
25 लैक्स डिवाइडेड बाई 35 लैक्स इंटू 15 लैक्स इज 1071,428। सही है सर, ये आपका एस्टिमेटेड NRV यहाँ पे ले लिया, इसके रेशियो में अपन ने एलोकेट कर दिया जॉइंट कॉस्ट। ये फिजिकल आउटपुट के रेशियो में, फिजिकल आउटपुट ये था अपना, ये सेल सेट P1 में, ये अपना सेल सेट P1। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर। कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 25 लैक्स वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरिन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सेल्स वैल्यू एट P1, फिजिकल आउटपुट, एस्टिमेटेड NRV। वॉट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड PVC अंडर 3 मेथड साइटेड इन Requirement 1। Requirement 1 के हिसाब से अगर अपन एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट करते हैं तो वॉट इज द GP रेशियो, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है, कॉस्टिक सोडा एंड नॉट क्लोरिन इज PVC। इट मीन्स अब आप आ जाइए, दिस इज योर आंसर नंबर 2। स्टेटमेंट शोइंग GP रेशियो, वॉट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड PVC अंडर दी 3 मेथड्स, जो 3 मेथड्स अपन ने निकाले थे, एज पर Requirement 1। Method 1, sales at P1, 2, physical output, 3, estimated NR। ये तीनों मेथड में आपका जो ये आपको स्टेटमेंट शोइंग GP रेशियो आपको निकालना है, अगर सेल्स वैल्यू में अगर अपन ये करते हैं एलोकेट जॉइंट कॉस्ट, फिजिकल आउटपुट में करते हैं या एस्टिमेटेड NRV में करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए, किस किस का पूछा है अपने से, कॉस्टिक सोडा क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा क्लोरीन सेल्स 15 लैक्स, 25 लैक्स, 15 लैक्स, 25 लैक्स, 15 लैक्स, 25 लैक्स लेस जॉइंट कॉस्ट निकाला था ना अपने पहले में, 1250, 1250, 1250, 15 and 10, 15 and 10, 1071,428 and 1428,572
लेस सेपरेट कॉस्ट, नील फाइलेक्स नील फाइलेक्स नील फाइलेक्स, ओके, देन यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इट मीन्स 1500 माइनस 1250, प्रॉफिट इज 2,50,000. देन 2500 माइनस 1250 माइनस 500, द प्रॉफिट इज 750. 1500 माइनस 1500 इज 0. 25 lakhs, 10 lakhs. फिफ्टीन लैक्स लेस 10, 71, 428. 428, 572. 25 lakhs minus 14, 28, 572 minus 571, 428. Then GP divided by sales into 100. GP ratio attend किया कि नहीं मेरा FM crash course? FM का crash course बनाया ना मैंने, ICI modules है उसमें ratio analysis cover किया, right? It means 250 divided by sales 15 lakhs into 100. 750 divided by 25 lakhs into 100. 10 lakhs divided by 25 lakhs into 100. 428572 divided by 15 lakhs into 100. 571428 divided by 25 lakhs into 100. इस GP को डिवाइडेड बाई GP करेंगे, इट मीन्स 250 डिवाइडेड बाई 1500, इट मीन्स 16.67, 30%, 0, 40%, 28.57% एंड 571428 डिवाइडेड बाई 25 lakhs इंटू 100 is 22.85. एक ही फॉर्मेट में आपका पूरा आ गया, राइट? एक सेल्स वैल्यू एट P1 के, देन फिजिकल एंड देन सेल्स ले लिया हम लोगों ने, जॉइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट, जीपी आ गया, जीपी को सेल्स से डिवाइड कर दिया, जीपी रेशियो, ओके. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वो क्या बोल रहा है अपने से कि लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज 800 टन्स ऑफ क्लोरीन इन मे 2016 एट ए प्राइस ऑफ 1875. दिस सेल वेट मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन मे. हाउ वुड एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑपरेटिंग इनकम को आपका क्या इफेक्ट करेगा? पहले आप ये बताइए मेरे को, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? परफेक्टली क्लियर हुआ. सेल्स ले लो आप, उसमें से जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट तीनों मेथड से जो अपन ने एलोकेट किया था, ये तीनों मेथड से अपन ने एलोकेट किया था जॉइंट कॉस्ट, वो अपन ने ले लिया. तीनों मेथड से एलोकेट किया था जॉइंट कॉस्ट, वो ले लिया. से या सुनो, ओके, इट मींस वापस वही आंसर नंबर 3 स्टेटमेंट शोइंग analysis of further process. Sales at P2
25 लैक्स, अगर हम पीवीसी सेल करेंगे तो 25 में होगा, लेकिन सेल्स एट P1, सेल्स एट P1 ये कॉस्टिक सोडा हम नहीं कर पाएंगे सेल, कितना 15 लैक्स। व्हाट इज द इंक्रीमेंटल सेल्स? इंक्रीमेंटल सेल्स इज 10 लैक्स लेस, सेपरेट एक्सपेंस इज 5 लैक्स, दिस इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस इज 5 लैक्स, तो डिसीजन इज P2। मतलब अगर P2 पे बेचूंगा तो 25 लाख है, और मैं खाली कॉस्टिक सोडा बेच दूंगा तो 15 ही मिलेगा, तो कितने का लॉस हुआ? 10, लेकिन उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा 5, तो 5 का लॉस हो जाएगा ना। तो ये क्या बोल रहा है, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेज 800 टन्स ऑफ, ये बोल रहे हैं हम क्लोरीन खरीदना चाहते हैं आपसे, तो अगर मैंने क्लोरीन बना दिया तो मैं ये नहीं बना पाऊंगा, ये नहीं बना पाऊंगा, जो 10 लाख का इंक्रीमेंटल सेल्स था वो मुझे नहीं मिलेगा, 10 लाख का मेरा सेल बढ़ेगा, 5 लाख का उसके सामने खर्चा बढ़ेगा, तो 5 लाख का प्रॉफिट है ना, वो 5 लाख का प्रॉफिट मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे कहाँ पे सेल करना चाहिए? P2 में। तो इसका मतलब वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, हमें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए करके ना। क्या लिखा है, बेटर टू प्रोड्यूस पीवीसी एंड नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर। Are you following or not? Better to PVC and not accept the offer. Say yes or no. Hello. Is this clear हो रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले जो भी information है, you just try to put into the decision tree. एक बार decision tree हो गया, आपका काम हो जाएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स। एंड देन यू जो स्टेटमेंट है, अपने को ये देखना कि भाई P2 पे अगर मैं P2 पे सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 25 लाख मिल रहे हैं, P1 पे करूंगा तो 15 लाख मिलेंगे, कितने से बढ़ा? 10 लाख से बढ़ा। सेल कितने से बढ़ा? 10 लाख से। कॉस्ट कितने से बढ़ रहा? 5 लाख से। क्या करूंगा? फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। ओके okay?